हेलो स्टूडेंट्स, कल हम ग्रुप 16 कर रहे थे, आज हम ग्रुप 16 के ऑक्सो एसिड्स करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों कंबाइन करके एलिमेंट के साथ मिक्स कर जाएं। जैसे सल्फर के ऑक्सो एसिड हैं, तो सल्फर में अगर सिर्फ ऑक्सीजन होता तो सल्फर का ऑक्साइड हो जाता। ऑक्सो एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड। तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड हैं, जैसे H2SO3 जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 जिसका नाम है मार्शल एसिड, H2SO5 जिसका नाम है कैरो एसिड, एंड H2S2O7 जिसका नाम है ओलियम। तो ये सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड मतलब सल्फर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड को ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। सबसे पहले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेटस में निकाल लो। हाइड्रोजन पे होता है बेटा +1 चार्ज, कितने हाइड्रोजन है 2, तो +1 × 2 प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको x मान दिया। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, ओवरऑल चार्ज कोई है नहीं तो 0, तो ये हो जाएगा 2 + x - 6 = 0, x आ गया +4। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की इसमें +4 होती है। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता है सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अगर आपको नहीं पता तो आप काउंट करके देख लें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4, तो इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सो एसिड, तो सबसे पहला काम, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 और चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगी। मतलब सबसे पहला काम आपने सल्फर को डबल बॉन्ड ओ देने का करना है। बाद में अगला काम क्या करना है, कोशिश करनी है कि जितने भी हाइड्रोजन हो वो ऑक्सीजन के साथ जाएं। तो देखो, डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन आप दे चुके हो, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो बेटा एक OH, देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ शेयर कर लिया और एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक OH इसका, एक OH इसका। तो जब भी आपने ऑक्सो एसिड बनाना है तो ये ध्यान कोशिश करनी है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाए। ठीक है जी, तो अब अगर आप इसकी शेप बनाएंगे तो सल्फर के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और जो लोन पेयर है वो भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो सल्फर के कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर शेप जो है वो पिरामिडल बन जाएगी। ठीक है जी, तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल बट बन क्या गई, पिरामिडल। ठीक है, तो जब भी ये शेप्स बनानी है ये ध्यान रखना है कि जितने भी हाइड्रोजन हो वो ऑक्सीजन के साथ जाएं, कोशिश करें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएं। ठीक है, अब अगर आपको ये पूछा जाए कि ये मोनोबेसिक है डाई बेसिक है, मोनोबेसिक और डाई बेसिक क्या होता है, जिसके पास जितने OH होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होता तो डायरेक्ट हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होता, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, उसमें नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन निकालना आसान है। अब क्योंकि सल्फर के पास 2 OH हैं तो ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, इट कैन गिव 2 हाइड्रोजन। अगर ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है तो ये होगा बेटा डाई बेसिक, जो जितने हाइड्रोजन दे सके वो उसकी बेसिसिटी होती है, ये होगा डाई बेसिक, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा होता तो वो निकलना मुश्किल होता, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकलना आसान होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकंड ऑक्सो एसिड इज H2SO4, आपको पता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगर इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, 2 हाइड्रोजन है +2, सल्फर को x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, कितने ऑक्सीजन है 4, तो -2 × 4 हो गया -8 = 0, तो x क्या आ जाएगा +6, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है। ठीक है, सेंट्रल एटम ही लेते हैं, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, मैंने आपको ट्रिक दी है, सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिससे सल्फर ने स्टेबल होना है वो ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ठीक है जी, डबल बॉन्ड ओ बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी ट्रिक, जितने भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है तो वो दोनों ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, OH एंड OH।
अब देखो, एक सल्फर, तीन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास तो एक और ऑक्सीजन रह गया। अगर कोई और ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? छह। स्टेबल होने के लिए दो चाहिए, दो सल्फर के पास हैं, यहाँ पे दो ले लेगा। ठीक है जी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई। कितने सिग्मा हो गए? चार सिग्मा बॉन्ड। चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, sp3। sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें, तो इसका मतलब इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। ऐसे ऐसे सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH। अगर ये देखा जाए ये कितना बेसिक है, इसमें भी दो OH है, मतलब इसके दो हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, तो इट इज डाई बेसिक। ठीक है, आगे देखो, मार्शल एसिड H2S2O8, अगर इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हाइड्रोजन प्लस वन, कितने हाइड्रोजन है? दो, तो प्लस टू। सल्फर को X मान लिया, दो सल्फर ने तो 2X। ऑक्सीजन होता है माइनस टू, माइनस टू कितने ऑक्सीजन है? 18, तो माइनस टू इंटू एट, सॉरी कितने ऑक्सीजन है? 8, तो माइनस टू इंटू एट माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 2X माइनस 14 इक्वल टू जीरो, 16 में से दो गए 14, X इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, X इज इक्वल टू आ जाएगा 7। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, प्लस 7 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ये मैक्सिमम कितनी दे सकता है? 6 से ज़्यादा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आ रही है? प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब प्लस 7 तो आ ही नहीं सकती, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस 6। तो ये एक्सेप्शन है जब सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 ही दे सकता है, 6 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता। लेकिन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है प्लस 7, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है। आपका अपने आंसर प्लस 6 ही लिखना है। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अब आपके पास दो सल्फर हैं, ठीक है, रूल आपने वही लगाना है। सबसे पहले सल्फर का जो है स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड ओ बनाना है, फिर हाइड्रोजन कोशिश करनी है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मैं जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले 6 स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, इसने भी डबल बॉन्ड ओ बना लिया, इसने भी डबल बॉन्ड ओ बना लिया। फिर रूल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये लो इसका भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इसका भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब हमारे पास दो सल्फर हो गए, चार ऑक्सीजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 8। ठीक है, इसका मतलब अभी हमारे पास चार ऑक्सीजन हुए हैं, अभी हमारे पास ऑक्सीजन हमने और ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करनी है, कितने ड्रॉ करने हैं? 4। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास दो ऑक्सीजन बचे हैं, दो ऑक्सीजन बचे हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो ऑक्सीजन बचे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी जो हैं दो ही बचे हैं सल्फर के पास, एक एक। तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, और ये आपस में। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से बनाती हूँ, ये दोबारा से बना लेती हूँ। देखो, एक सल्फर ये है बेटा, एक सल्फर ये है। ठीक है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, जो 6वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं वो यहाँ बना देती हूँ ना, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ओ मैंने कहा आपको ऐसे बनाना है, और एक मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चल गए, इसका डबल बॉन्ड ओ भी है। एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो कितने हो गए? दो सल्फर, 6 ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, पर अभी दो ऑक्सीजन और बनाने हैं। अब आपको पता है ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सल्फर से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सल्फर से ले लेगा, और एक वो आपस में दोनों ऑक्सीजन शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज H2S2O7। अगर आप सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट देखोगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। सिमिलरली इस सल्फर का, इस सल्फर के कितने बने? 4 सिग्मा, sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलरली इस सल्फर के भी एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, 4 सिग्मा, sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके सही से दिखाती हूँ। ये है, देखो ये सल्फर था, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस सल्फर के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले इन्होंने डबल बॉन्ड ओ बना लिया। दूसरा स्टेप, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, इसको भी एक ओ एच मिल गया, इसको भी ओ एच,
इसने भी फिर एक और डबल बॉन्ड ओ बना लिया, डबल बॉन्ड ओ। अब दिक्कत क्या है कि दो ऑक्सीजन रह गई हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी दो ही थे, एक इस सल्फर के पास एक इस सल्फर के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस सल्फर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लिया, एक सल्फर से लिया एक इस ऑक्सीजन से लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा, इस सल्फर का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज H2S2O7। इसमें भी जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो प्लस सिक्स से ज़्यादा आएगी, पर आपको पता है प्लस सिक्स से ज़्यादा आ नहीं सकती, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर सेंट्रल एटम है, दो सल्फर ले लिए, ट्रिक वही, पहले डबल बॉन्ड ओ देना है, फिर कोशिश करनी है जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाए, तो इसको भी एक OH, इसको भी OH, रिमेनिंग एक डबल बॉन्ड ओ इसके पास बन गया, एक डबल बॉन्ड इसके पास बन गया। अब इसके पास एक ऑक्सीजन रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास बचा है, तो ये दोनों जो सल्फर है एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेंगे। इसके भी बेटा चार बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इस सल्फर के भी चार सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है जी। लास्ट इज H2SO5 कैरोज एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देख लेंगे, प्लस सिक्स आई तो ठीक है, प्लस सिक्स नहीं आई, प्लस सिक्स से ज़्यादा आई तो प्लस सिक्स ही होगी बेटा, ठीक है जी। तो अब इसमें जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो सल्फर के पास जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला हमारा काम डबल बॉन्ड ओ देने का, दूसरा जितने हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया, दैट इज इसको OH दे दिया, ठीक है, OH, एक ऑक्सीजन को OH दे दिया। अब हमने, हमारे पास दो ऑक्सीजन हो गए, तीन अभी और रहते हैं, तो स्टेबल करने के लिए तीन O, एक O तो आ जाएगा, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। अभी तीन ऑक्सीजन हुए हैं, टोटल दो ऑक्सीजन और रहते हैं, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब आप इसको कैसे बनाना है, एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इस सल्फर से लिया, एक दूसरी ऑक्सीजन से लिया, इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इससे ऑक्सीजन से लिया और एक हाइड्रोजन से लिया। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सल्फर की जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। सो दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, थैंक यू।